हमको फोकस करना है इसकी प्रोसेसिंग पे, मतलब ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो ये ट्रे किया, दिख रहा है मैंने बनाया, ये ट्रे किया, इसमें ये ऐसी बनी हुई है, दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से ये सुखड़ता और ऐसे होता रहता। इसके बाद ये फेरिंग्स है, ठीक है। देखो यहां से हम नाक के जरिए हम सांस लेते हैं, ठीक है। आपको आवाज नहीं आ रही होगी, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फेरिंग्स लैरिंज के बाद ट्रेकिया में जाती है, ठीक है। उसके बाद ये लंग्स में जाती है, ठीक है। लंग्स में भी ना ये जो ब्रोंकाई है ना वो छोटे छोटे शाखाओं में बटा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे से कहां पहुंचेगा, एल्वुलाई में। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं एल्वुलाई के, ठीक है। ये एल्वुलाई है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एल्वुलस। अब आप देखो, दिख रहा है आपको, इसको काट बताइए, उन्हें काट के बताया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये ब्लड बह रहा है, ठीक है, और आरबीसी है ये, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन है, ये विसरण के जरिए क्या होता है ब्लड में मिल जाती है, ठीक है। और आरबीसी उसको क्या करती है, कैरी करती है। तो इनका जो कलर होता है ना, पहले ऐसा आपको ऊपर दिखता ना ऐसा ब्लूइश सा होता है, ठीक है, ठीक है। बाद में ये रेड हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये रेड हो जाती है, मतलब इसका मतलब ये है कि अब इनमें ऑक्सीजन की मात्रा है और CO2 क्या होती है, ये बाहर आके ब्लड से इसमें मिल जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। ये CO2 आ रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन, फिर ये यहां से फिर ये CO2 कैरी करके ले जाएगी। तो पहले ये कहां जाएगी, ब्रोंकाई में, फिर जाएगी ट्रेकिया में, अभी वो बताएंगे। देखो ये ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ये ट्रेकिया में जाएगी, फिर ये लैरिंग्स में जाएगी और फिर नाक से ये बाहर निकल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस है, समझ में आया। ये क्या है, इसका 3D डायग्राम है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी प्रोसेस होती है। अब आपको एक बात समझ में आई कि जब एल्वुलाई वाला स्ट्रक्चर था यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखो, ये तो ब्लड बह रहा है, ठीक है, ये CO2 है फिलहाल, लेकिन सिंपल सी बात है, ये यहाँ एल्वुलाई वाला स्ट्रक्चर है, यहां से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे चली गई, वो ब्लड से CO2 कैसे बाहर आ गई। हाँ बेटा, नहीं नहीं बेटा, सर की कुर्सी होती है, ठीक है, क्या है, हाँ मैं क्या बता रहा था आपको। देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन भाई यहां पहुंच गई, ये यहां से हमारी ब्लड में मिली कैसे और वहां से CO2 कैसे मिली। तो इसके लिए एक जिस तरीके से ये क्रिया होती है उसका नाम है विसरण। क्या होता है, विसरण। और इसका बहुत ही सरल एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है। आप, मैं यहां पर क्या बोलता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ यहां पर, ठीक है, ठीक है, यहां पर खुशबू होगी, क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कुछ देर बाद ना इस पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, खुशबू फैल जाएगी, ठीक है। तो जिस क्रिया से ना ये फैली है ना उसे क्या कहते हैं, विसरण। सिंपल सा है, सो सिंपल है ना। एक बार और सुनो, मैंने यहां अगरबत्ती जलाई, यहां खुशबू ज्यादा होगी, ये खुशबू धीरे धीरे से पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। इसका मतलब इतना सा है कि यहां पर सांद्रता अधिक थी, मतलब यहां पर खुशबू ज्यादा थी, तो जहां ज्यादा है, जहां घनत्व ज्यादा है, वहां से कम घनत्व की ओर ये चली जाएगी, कुछ वैसा ही, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर, अधिक सांद्रता थी कम सांद्रता की ओर, ये विसरण होता है। तो कुछ ऐसा समझो कि ये है क्या, ब्लड बह रहा है, ये क्या है, एल्वुलाई है, ठीक है। तो यहां देखो जो ऑक्सीजन हमने सांस ली है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ना, और जो हमारा ब्लड है इसमें ऑक्सीजन कम है ना, तो यहां से ऑक्सीजन कहां होगी, यहां चली गई, किस कारण, विसरण के कारण। दूसरा समझो, यहां क्या है, हमारे ब्लड में यहां से CO2 ज्यादा है ना, ये CO2 यहां आ गई, क्यों,
विसरण के कारण, वहां ज्यादा थी कम की ओर जाएगी, ये सिंपल सी क्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब कोई डाउट कुछ भी? क्रम सिंपल सा है, सबसे पहले हम नाक के जरिए सांस लेते हैं, इसे नोजल कैविटी बोलते हैं, फिर लंग लैरिंग्स में जाती है, ट्रेकिया में जाती है, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये नाम आपको याद नहीं रखना, ठीक है, मैं क्रम के लिए आपको बता देता हूँ। एल्गुलाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांस किस वजह से लेते हैं? ये डायफ्राम, ऊपर नीचे होता है। कैसे ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन का क्या उपयोग होता है, ये पूरी क्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आया? ओके, इसको मिटा देता हूँ अब। ठीक है, अब आप मुझे कुछ चीजें बताएंगे, वो ये है कि फेफड़े इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कुछ उन पदार्थों के नाम बताइए, या कहूं मादक पदार्थों के नाम बताइए, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं या होते हैं। हाँ, खड़े होकर बताओ। दारू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, ड्रग्स बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं पूछा आपको कि बुरी बुरी चीजों के नाम बताइए। ठीक है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि आपको लंग्स किस वजह से खराब होते हैं, फेफड़े किस वजह से खराब होते हैं। देखो, आपको पता है जो ड्रिंकिंग हम करते हैं, जो हम एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, दारू को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, जो हम एल्कोहल लेते हैं ना, ठीक है, उसकी वजह से फेफड़े खराब नहीं होते, उसकी वजह से खराब होता है लीवर। ठीक है, कुछ ऐसे संरचना बनाई थी मैंने आपको, जब याद हो, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी संरचना बनाई थी, पता है, यकृत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यकृत। तो हाँ, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये खराब होता है। बेटा, मुझे और चीजों के नाम बताओ जिसकी वजह से फेफड़े खराब होते हैं। एक सिगरेट हो गया किसी ने, अच्छा बताया। हाँ, तमाकू फिर भी कह सकते हो आप, ठीक है, तमाकू फिर भी कह सकते हो आप। ठीक है, एक इसी की बहन है सिगरेट की, बीड़ी, ठीक है, वो तमाकू में आ जाता है। ठीक है, ओके, और कुछ? एक होता है, फिर इन दोनों के पापा हैं, एक उनका नाम है हुक्का, हाँ हुक्का, गांजा। ठीक है, समझ में आया? सुनो सुनो, सिगार हो गया, वेरी गुड। ठीक है, सिगार हो गया, सिगार, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनोगे? सिगार क्या होता है, पुराने लोग पीते थे कुछ, हाँ, पुरानी फिल्मों में रखते थे वो लोग। ठीक है, कुछ मैं आपको वो चीज बताने वाली नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन, जैसे हमने क्या होता है, अगर हम सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, तो ये जो धुआं है ना, वो लंग्स में ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन लंग्स में जाती है ना, तो ऑक्सीजन के जरिए कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और इन्हीं चीजों को खराब करता है, और इसलिए किसी किसी को इनकी वजह से कुछ रोग हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। किसी, अगर आप फिल्म देखोगे ना, तो सबसे पहले ये यही वाली है डाटी, अक्षय कुमार, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, एक बच्चा था, नाम था रमेश, पहले ये बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब ये सांस भी नहीं ले सकता। ठीक है, घर वालों ने बहुत कहा, दोस्तों ने बहुत कहा कि सिगरेट मत पियो बेटा, लेकिन इसने नहीं माना, अब ये इस स्थिति में है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ओके। अब मुझे बताओ कि ये तो हो गए जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स खराब होते हैं, और लंग्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 30 सेकेंड आप जिंदा नहीं रह सकते, और अभी आपको केस स्टडी बताई मैंने आपको कि कैसे डेथ भी हो सकती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कोरोना की वजह से डेथ होती है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपको, फेफड़ों में कौन कौन से रोग होते हैं, आप नाम बताइए मुझे, फेफड़ों में रोग होते हैं ना, हाँ, वेरी गुड, फेफड़ों में क्या होता है, कैंसर भी हो जाता है,
कैंसर शरीर के बहुत से ऑर्गन में होता है, फेफड़ों में हो जाता है। वेरी गुड, इन्होंने बताया ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर की वजह से बेटा क्या होता है, ये एल्वियोलाई खराब हो जाती है, ये काम नहीं करेंगी तो ऑक्सीजन वैसे भी ठीक है। ओके कैंसर, हाँ इन्हीं चीजों से होता है ना कैंसर, इस वजह से। ओके और कुछ नाम बताए मुझे, एक मैं बताऊ उसका नाम है अस्थमा। नाम सुना है क्या होता है बेटा? ठीक है मैं बता दूं अस्थमा क्या होता है, सुनेंगे मेरी बात? आपने देखा होगा आसपास, देखो ये नली है ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई पार्ट में बटा हुआ है, ये क्या होती है सक्रिय हो जाती है ठीक है। सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, क्योंकि यहीं से हो रही है सांस लेने की प्रक्रिया ठीक है, ये उसका हिस्सा है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, फिर जब इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है इस पाइप को लेते हैं, फिल्मों में भी देखा होगा, उसको प्रेस करते हैं फिर उसके जरिए सांस लेते हैं ठीक है, तो कुछ देर में ये ठीक हो जाता है ठीक है। तो जो लोग इस पाइप को रखे हैं उन लोगों को कौन सा रोग है, अस्थमा रोग है ठीक है। और अस्थमा कैसे होता है, ये जम जाता है यहाँ पर कुछ ठीक है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर पंप की जरूरत पड़ती है, वो साथ में पंप लेके चलते ही है। ओके ठीक है, ये सब क्या है कि उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है ठीक है। ओके एक रोग आपने नाम सुना है टीबी, ठीक है ये टीबी मोबाइल टीबी नहीं है, ये टीबी है ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका, इसका शॉर्ट फॉर्म में उसको टीबी बोल देते हैं, लेकिन ये क्या है ट्यूबरक्लोसिस। और मैं जितने रोग आपको बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से होते हैं ठीक है, और इन चीजों की वजह से होते हैं तो इनको तो हमें करना नहीं चाहिए कभी भी ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हमला करते हैं ठीक है। ओके तो टीबी क्या होती है, हाँ आपने वो एक एड सुनी होगी अमिताभ बच्चन की, दो हफ्तों से ज्यादा खांसी और कफ आना टीबी के लक्षण हो सकते हैं, कृपया नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कफ की जांच कराएं। समझ में आया? ओके तो वो क्या बोलते हैं कि दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है और आपको कफ आ रहा है साथ में, कफ समझते हैं? ओके कफ, हाँ बलगम आ रही है, तो उसकी क्या करें जांच करवाएं, आपको क्या हो सकती है टीबी हो सकती है, तो वो क्या है टीबी। उसकी वजह से भी क्या होता है, फेफड़े खराब होते हैं, क्या होता है फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। समझ में आया? और रोग बताइए मुझे, बताओ इसके अलावा कौन से रोग हो सकते हैं। एक नाम नहीं सुना होगा, मैं वो उसको बता, सुना तो होगा आपने लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे, निमोनिया होता है। पीलिया इसमें नहीं होता, पीलिया लीवर में होता है ठीक है, लीवर की वजह से होता है। देखो ये रोग है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर, अस्थमा, टीबी, निमोनिया, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की भूमिका होती है, इन मादक पदार्थों की होती है ठीक है। ओके ये चीज, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, अभी निमोनिया नहीं बताया, मैं आपको निमोनिया बता रहा हूँ और आप ऐसे समझे। देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि कोरोना की वजह से डेथ कैसे होती है, आपने सुना है कोरोना की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, फिर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, फिर एक पिछली बार जब लहर आई थी सेकेंड वेव तो क्या हुआ था, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत कम पड़ गए थे, पता है ना आपको, किसी किसी को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाए थे ठीक है, उसकी वजह से भी कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, सुना है ऐसा कुछ ठीक है। तो कोरोना की वजह से डेथ होती कैसे है हम ये देखते हैं ठीक है, तो एक पूरी प्रोसेस है, मैं आपको टेक्निकलिटी में तो नहीं ले जाऊंगा ठीक है, मैं आपको सिंपल चीज में बताऊंगा कि होता क्या है। देखो किसी को अगर कोरोना होता है ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या हो गया बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ठीक है, जो अभी समस्या है, किसी को अगर क्या होता है कोरोना होता है तो उसके क्या होता है फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं निमोनिया बोलते हैं। तो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन होना क्या है, निमोनिया है। अब ये क्या करता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से फेफड़े क्या होते हैं थोड़े से कम काम करना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन हो गया तो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे ठीक है, जब फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे शरीर को किसकी कमी होगी,
किसकी कमी होगी? फेफड़े अच्छे से काम नहीं करते। वेरी गुड, ऑक्सीजन की कमी होगी। फिर आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन सिलेंडर की या ऑक्सीजन मास्क की, ठीक है? और वो कहाँ मिलेगा आपको? हॉस्पिटल में, ठीक है? इसके लिए एक चीज और चलती है, ऑक्सीजन बेड, यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ठीक है? और अगर आपको वो नहीं मिलेगी तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आपको दवाइयां मिल गई, आपको दवाइयां मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी तो वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन मास्क की वजह से पूरी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन फेफड़े क्या है? दवाइयों की वजह से धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, तो आपकी जान बच जाएगी। तो आपको समझ में आया कि कोरोना की वजह से वास्तविकता में डेथ होती कैसे है? समझ में आया? उसकी पूरी लंबी प्रोसेस है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है?